मैंने कल क्रिएटिन नहीं लिया एंड देन साकेत टोल्ड मी इज गोना मेस विद माय बेंच, सो इसलिए ही टोल्ड मी कि अभी अगर लेगा तो ठीक है. बेसिकली आई डोंट इवन थिंक इट विल मेक अ डिफरेंस, लेकिन वो मोमेंट जब मैं डंबल्स के साथ ऐसे रहूंगा उस टाइम पे मेरे को ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि क्रिएटिन नहीं लिया. इसलिए हम देखेंगे. इधर है, इधर है, ये वाला. You want to take it or whey? No. कल मैंने गलती से क्रिएटिन वे के साथ लिया. By the way, हमारी हालत ऐसी है because we just woke up. मैंने उठते उठते इसको याद दिलाया कि इसने कल क्रिएटिन नहीं लिया, so he jumped out of bed और अभी हम दोनों किचन में हैं. पर कल मैंने रात को गलती से क्रिएटिन वे के साथ लिया, चॉकलेट फ्लेवर्ड वे विद वाटर. टेस्टेड हॉरिबल, कभी ट्राई मत करना. बिग मिस्टेक. एक्चुअली ब्रो, आई हैवंट टेकन क्रिएटिन इन 2-3 डेज. आई थिंक देन यू आर एक्चुअली गॉन. You know that day you had asked me did I take creatine? That's the last day I took creatine. 3 days ago. I think so, yeah. तो फर्क पड़ेगा? Now it doesn't matter. पहले you remember the complications used to have, loading, unloading. We never did that. Yeah, I know, but the overthinking phase. Yeah, yeah, it's there. Yeah. Starting with first time creatine, we were so scared. Yeah, you remember? We had it with Tang. Tang? We had it unflavored. With Tang. Unflavored. We had it with Tang. With Tang, huh? Glass में मिला के. Yeah. Yeah. गुड मॉर्निंग अंकल. गुड मॉर्निंग. कल रात को मैंने और आर्यन ने जोमेटो से बटर चिकन ऑर्डर किया था. फ्रॉम विच प्लेस? हर हाइनेस. हर हाइनेस. और उसके पिछले वाले रात को भी आर्यन ने सेम बटर चिकन मंगाया था. एंड दिस इज वन थिंग आई लव अबाउट बटर चिकन कि हमेशा लेफ्ट ओवर्स रहते हैं जो मैं अगली सुबह मैक्सिमाइज करता हूँ. मैं ऐसे ब्रेड के बीच में डालूंगा एंड आई हैव ग्रिल्ड बटर चिकन सैंडविचेस. कल बाय द वे मैं और मेरे पापा JLPT के ऑफिशियल इंस्टीट्यूट में गए थे. नॉट ऑफिशियल इंस्टीट्यूट पर जलताप नाम का एक जापनीज टीचर्स फाउंडेशन है पुणे में, जो JLPT एग्जाम्स कंडक्ट करने वाला ऑफिशियल सेंटर रहता है जहाँ से फॉर्म्स एक्सेट्रा कलेक्ट कर सकते हैं. हमने 3 दिन पहले फॉर्म कलेक्ट किया था और कल हम फॉर्म सबमिट करने के लिए गए थे एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड क्योंकि फॉर्म इतने सिस्टम एक ही पेज का फॉर्म था, पर उस फॉर्म को कैसे फिल करते हैं उसके लिए उन्होंने पूरा डिटेल बुकलेट दिया विच वॉज नाइस. एंड जो भी पूरा फॉर्म था वो कार्बन पेपर पे था, सो जो भी लिख रहा है उसके 3-4 कॉपीज इंस्टेंटली ऑटोमेटिकली बन जाते थे और उसमें से एक कॉपी हैज बीन गिवन टू अस. बट इट्स जस्ट वेरी कूल कि कितना डिटेल है. एंड अपेरेंटली ये जो टेस्ट रहती है वो वर्ल्ड वाइड सेम टाइम पे होती है, सो एवरीबडी लाइक 50,000-60,000 पीपल गिव इट एट द सेम टाइम. दैट्स कूल. जुलाई को मेरी एग्जाम है, पहले मैं N3 दूंगा जुलाई में और फिर दिसंबर में जब एक और बार JLPT होती है तब मैं N2 दूंगा एंड बाय दैट टाइम आई विल बी प्रिपेयर्ड फॉर N2 एज वेल. सो ये होगा आज का ब्रेकफास्ट. मस्त आर्यन ने कॉफी. व्हाई इज इट सो विंडी? लुक एट दैट. नहीं नहीं, नाउ इट्स परफेक्ट. आर्यन ने मस्त कॉफी बनाई, 2 बटर चिकन सैंडविचेस और एज ऑलवेज 1 स्कूप वे प्रोटीन. ये ट्रिपल चॉकलेट वे है जिसके हर सर्विंग से मुझे 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है और 5.5 ग्राम BCAA मिलता है. ये इंडिया का इकलौता प्रोटीन है जो इनफॉर्म चॉइस UK से अप्रूव्ड है टू गिव यू प्योरिटी. इसमें एनहांस्ड अब्सॉर्प्शन फॉर्मूला होने की वजह से मुझे हर सर्विंग से 60% ज्यादा BCAA अब्सॉर्प्शन और 50% ज्यादा प्रोटीन अब्सॉर्प्शन मिलता है. बाय द वे वेरी गुड न्यूज, 22nd मार्च से लेके 26th मार्च तक द ग्रेट परफॉर्मेंस सेल चल रही है जिसपे आपको हर प्रोडक्ट पे बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स मिल सकते हैं. उसके ऊपर अगर आप मेरा डिस्काउंट कोड अप्लाई करोगे यू विल गेट इवन बेटर डिस्काउंट्स. एंड अगर आप 2,000 rupees से ज्यादा आपकी शॉपिंग करोगे तो आपको फ्री गिफ्ट्स अश्योर्ड है. तो 3-4 प्रोटीन के बॉक्सेस स्टॉक अप कर लो, बहुत सस्ता पड़ेगा. व्हाट विल यू ईट इन द एंड? तू शेक बनाएगा इन द एंड. Always. But you know, in the end, it doesn't even matter, bro. So. साकेत का बताया वो जोक. कौन सा जोक? कुछ जोक नहीं था. कौन सा? बीस रुपए का किस्सा. नहीं नहीं. Bro, he's been like laughing over it. बहुत कमाल का जोक था. अच्छा? हाँ बहुत अच्छा. क्या था जोक? ये तो 20 रुपए के चाय लेने में बस. In mayhem. Even if someone cracks a joke like that with me, na. I think about it for many days and I keep telling them. Yeah. Genetics. Pancakes make me thoda sleepy.
yesterday I was yawning too much after pancake. Maida. I think so. Or maybe it's just in my head, bro. But I don't want to risk it. Maybe glycemic index. Yeah, it is. It is. अच्छा है ना? हाँ. It gets you very energetic and I'm very sleepy. Then the crash comes. Yeah. And then, but if you're wearing a seatbelt, it's fine, bro. That's the difference between simple and complex jobs, no? Yeah, yeah. Okay, so yeah, Aryan ka last time ka inclined dumbbell performance hai. Jo usne bhi nahi dekha hai because Shaunak had recorded it. He recorded it. Kya goal hai? Kitne reps mile? I don't remember. Either 5 or 6. Isliye main usko bola send karne ko. No, it's not count. Oh, okay. 1, 2, I think 6, 3. Strong. मुझे बहुत रोस्ट किया था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नमक डालता हूँ. आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ. अब यू गाइस टेल मी इफ दिस इज नॉर्मल. ओके, दिस इज लेस देन नॉर्मल स्टिल. ये मैं अपने ऑमलेट के लिए 1 teaspoon बटर डाल रहा हूँ. व्हाट्स द इशू? सी इट्स This is like not even 1 tablespoon, bro. It's like 15. ये पता है मेरे एक पूरे हफ्ते का अंडा बनाने वाला बटर है. अच्छा मतलब this is your one day का बटर और? Yeah, exactly that much. Yeah, 4 eggs. And no, this is not it. इसके बाद तू हर टोस्ट के स्लाइस के ऊपर इतना ही बटर डालेगा. वो हर रोज नहीं होता. वो जब मेरे पास मोटिवेशन रहता है यहाँ पे खड़े रह के वो करने का तब that's like twice thrice a week. Funny यार, बहुत मेहनत लगती है उसमें. हाँ, because the butter has to melt otherwise it's not fun. And the butter will only melt if I stand here and look at that. Today pitch crew was kept on the table. तो मेरे को ऐसे कॉलेज की याद आई because in कॉलेज में ऐसे पॉकेट्स में रोल रखता था and then I used to take this and I have it like that. भिंडी रोल? नहीं नहीं यार bro. भिंडी विद केचप नहीं, egg roll. Like it used to be visible that some big thing is there in my pocket. I used to walk around like that. Goosebumps आते हैं when you see through that. मत करना. Goosebumps are good, bro. Even Travis Scott gets them. Yeah. एक छोटी सी अपडेट है एंड मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ. सो मेरे और सिद्धांत का जो कसौल वाला प्लान है दैट इज स्टिल ऑन. पर सिद्धांत का ओरिजिनल प्लान था कि वो एक दिल्ली मुंबई फ्लाइट लेके मुंबई में 2-3 दिन रहने के बाद पुणे आने वाला था. बट नाउ द प्लान हैज चेंज्ड और वो दिल्ली से पुणे वाली फ्लाइट लेके आ रहा है बिकॉज उसको शिवी के लिए एक वीडियो शूट करना है कोई कुछ वेबसाइट के लिए जिसके लिए ही नीड्स अ सोनी कैमरा और मैं उसको अपना कैमरा देने वाला हूँ 3-4 दिनों के लिए. सो ही इज गोना कम टू पुणे फर्स्ट. अब मेरा ये डाउट है कि क्या मुझे उसके साथ मुंबई जाना चाहिए. सोचो मतलब आई नो मुंबई में मैं प्रॉपरली ऐसे कभी आया नहीं हूँ. जब मैं और नील दिल्ली गए थे तब पुणे एयरपोर्ट बंद होने की वजह से वी वर इन मुंबई बट दैट वॉज ओनली फॉर 2-3 आवर्स. सो ये मेरी पहली प्रॉपर मुंबई ट्रिप होगी इफ आई एक्चुअली एंड अप गोइंग. तो कमेंट्स में बता देना. आई नो कि बहुत सारे व्यूअर्स मुंबई से है. इनफैक्ट इंडिया की आई थिंक फर्स्ट लाइक टॉप सिटी इज मुंबई. इट्स मुंबई दिल्ली देन पुणे. सो दैट वुड बी गुड. लेट मी नो. आई अंडरस्टूड व्हाट यू आर सेइंग. इट्स नॉट फीलिंग लाइक या So explosive you are. Okay, it's feeling good. मजा आ रहा है. Yep. Thank you.
just keep